रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राजधानी जयपुर के अरवाड़ा इलाके से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दीर्घायु अस्पताल में आग लगने की खबर सामने आई है। आग लगने के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। अस्पताल में कोविड के 10 मरीज भर्ती बताए जा रहे हैं। अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। धुएं के कारण दम घुटने से एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में मरीज के परिजनों ने हंगामा भी किया है। तो वहीं एम्बुलेंस के जरिए महिला को रेफर किया गया है दम घुटने के बाद। तो साथ ही पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची है। आग बुझाने के प्रयास लगातार जारी है। अस्पताल से धुएं के गुबार उठ रहे हैं। जयपुर जिले के हरमाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दीर्घायु अस्पताल में आग लगने से हड़कंप मच गया है। अस्पताल में कोविड के 10 मरीज भी भर्ती हैं। तो वहीं पुलिस और अग्निशमन की गाड़ियां आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटी हुई है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हमारे संवाददाता अजीत चौधरी। अजीत, क्या है मामला? आग लगी है दीर्घायु अस्पताल में, आखिर किस वजह से ये आग लगी है, क्या कुछ पता चल पाया, फिलहाल क्या स्थिति? जी आशीष, देखिए हरमाड़ा इलाके में स्थित है दीर्घायु हॉस्पिटल, जहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से ऑक्सीजन जो सप्लाई वाला रूम था, उस रूम के अंदर अचानक से आग लग गई। और आग लगने के बाद में अफरा तफरी का माहौल हो गया, और माहौल के बाद में जो कोविड के जो पेशेंट है, जो उसमें भर्ती बताए जा रहे थे, उनको वहां से निकाला गया है और दूसरी मंजिल पर जो शिफ्ट किया गया है। साथ ही कुछ मरीज है जिनकी हालत ज्यादा गंभीर थी, जिनको दूसरे हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया गया है। जी अजीत, फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है? फिलहाल दमकल की सहायता से और हॉस्पिटल वालों ने दमकल की सहायता से आग पर काबू पा लिया, और हरमाड़ा पुलिस है वो मौके पर फिलहाल मौजूद है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे हरमाड़ा संवाददाता अजीत चौधरी, जिन्होंने बताया कि दमकल की मदद से बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन फिलहाल कुछ लोगों की तबीयत ज्यादा खराब है, जिन्हें रेफर किया गया है।